के माध्यम से। स्वस्थ शरीर के लिए जिगर का स्वस्थ होना आवश्यक है। जिगर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी हमारे स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका होती है। जिगर हमारे शरीर के लिए एक फूड फैक्ट्री के रूप में काम करता है। जिगर एक पाचन अंग है जो शरीर में सभी चय अपचय प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है। शरीर के पाचन में सहायता करना, बाइल जूस का निर्माण करना, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना, संक्रमण से लड़ने में सहायता करना, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन और भंडारण, हार्मोन का निर्माण करना, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य जिगर द्वारा किए जाते हैं। कई कारक हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं या जिगर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो कि जिगर की बीमारी को प्रमोट करते हैं। सबसे पहला तो है शराब पीने की वजह से, दूसरा है जिसको कि हम कहते हैं नैश और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर जिसे कहते हैं, वो है उसके कई कारण हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके अंदर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हमारा एबनॉर्मल लाइफस्टाइल और उसके अंदर वो होल स्पेक्ट्रम जो है उसका लिवर डिजीज़ का है, जो कि फैटी लिवर सिंपल फैट होना, वसा का ज़्यादा होना लिवर के अंदर, उससे एक स्टेप आगे जो है वो होता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जब सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं, और उससे भी और अगर आगे जाएँ तो certain percentage will go on, और जिसके अंदर जो है क्रॉनिक लिवर डिजीज भी डिवेलप हो जाती है जो कि नैश रिलेटेड, और फाइनली कुछ मरीजों के अंदर हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो जाता है। जिगर हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार है। अधिक मात्रा में वसायुक्त आहार का सेवन और शारीरिक श्रम न करना, ये जिगर में वसा एकत्रित होने का कारण बन सकता है। इसका प्रमुख कारण है शराब का अत्यधिक सेवन, जिसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं, जबकि नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज का कारण जीवन शैली से संबंधित है। किसी बीमारी का प्रभाव होने पर जिगर सही रूप से कार्य नहीं कर पाता। जिगर ठीक से कार्य न करे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को कुछ लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जिगर में खराबी होने पर पेट के ऊपरी भाग में दर्द और असहजता महसूस होना, भोजन के बाद पेट में भारीपन, पीलिया, पेशाब का रंग गहरा होना, भूख न लगना, थकान महसूस होना, आसानी से नील पड़ना, पैर और टखनों में सूजन, पेट में पानी भरना और खुजली होना, ये लक्षण जिगर रोग की ओर संकेत करते हैं। इसका कारण जानना और विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक है। एक्सेस अल्कोहल जो है वो हमेशा इट आपको लिवर की बीमारी की तरफ ले जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से कम 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी रूप में, और कुछ नहीं तो मिनिमम ब्रिस्क वॉकिंग ही हम कर सकते हैं। और खाने के अंदर एक वेल बैलेंस्ड फूड हमें लेना है, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो आम आदमी की कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, सो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम हाई कैलोरी या हाई फैट या हाई शुगरी फूड जो है वो हम खाएं। सो खाने में हम ध्यान रखें कि ये चीज़ों का अमाउंट मिनिमम हो। जिगर हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए जिगर को कैसे स्वस्थ रखा जाए ये समझने की आवश्यकता है। कुछ सावधानियां रखकर जिगर की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जिगर का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभात।